ये देखो मिष्टी। सॉरी वो मैं दिखा पावनी अकेली है घर पे। हाँ हमें चलना चाहिए। ठीक है बेटा। नमस्ते। नमस्ते। बाय। आज आपको प्रसाद इस घर की बड़ी और इस घर की मालकिन के हाथ से मिलेगा। माँ लीजिए। कर लो अपने शौक पूरे अरुणा, ये तो चार दिन की चांदनी है। तुम फिर से वहीं पहुंच जाओगी जहां से तुम आई हो। जाने की बारी इस पर किसी और की है दाइमा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। पूरी धूमधाम के साथ रुखसत करेंगे आपको। और अभी तो बहुत वक्त है आपके पास। जब तक आपका असली चेहरा राज्जी के सामने नहीं आ जाता, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। इतना आसान नहीं है लता रानी, इतने सालों की मेहनत है। खैर, मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम करना क्या चाहती हो। हम तो बस सच का साथ देंगे। देखते हैं इस बार कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर से जाता है। आइए हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। हाँ देखिए, मैं ये पेपर्स अच्छी तरह देख लेता हूँ, फिर देख क्या किया जा सकता है। मैं चलता हूं, आपको बाद में फोन करूंगा। ओ, आप मेरा कार्ड, रख लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। नमस्ते। 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 प्रियंका, ये सुशांत वाकई में मुझे बहुत कमाल का इंसान लग रहा है। अब तो हमारे पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से होगा। आखिरकार मेरे मायके से आए हैं, हम इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आप, तुम, अरे ये तो कमाल ही हो गया। जिया जी को साले का सलाम। कहिए कैसे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जीजा जी, आप बिना कमाल ही करते रहते हैं बस। आप तो जानते हैं वक्त और सुशांत को कभी कोई पकड़ कर नहीं रख पाया। मिलने आया था, किसी जरूरी काम से मिलने आया था।
अब तो इस सोने के महल में आना जाना लगा ही रहेगा। फिलहाल जल्दी मैं खुद चलता हूँ, बाद में मिलूंगा आपसे, फुर्सत में और मोहब्बत में। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। चलता हूं। डॉक्टर रॉय, ये आपके दोस्त है? डॉक्टर श्रीवास्तव। हेलो डॉक्टर रॉय, कल ऑपरेशन के लिए मिस्टी को सुबह 8 बजे हॉस्पिटल ले आइएगा। ओके डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर श्रीवास्तव का फोन था, वो कह रहे कि हम मिस्टी का सुबह 8 बजे ऑपरेशन कर सकते हैं। सच? कल का दिन बहुत शुभ है, कल मिस्टी का ऑपरेशन हो जाएगा, 2 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी और अपने बर्थडे के दिन वो फिर से दुनिया देख पाएगी। हाँ मिस्टर प्रसाद, कल का दिन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल अगर सब कुछ ठीक हो गया और मिस्टी वापस देखने लगी तो नीलू का सपना पूरा हो जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चल। चलिए। आपने सोचा भी नहीं होगा वो हाल करूंगा मैं उसका। ये करण प्रसाद कितना भी बड़ा रोड़ा क्यों ना हो, उसे रास्ते से हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लगता है सुशांत चौधरी को आपने ठीक से पहचाना नहीं। बस अब आपने कह दिया है तो खुशखबरी का इंतजार कीजिए। जी हाँ, मैं जानती हूँ अब जो कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें उसके बाद कोई झंझट नहीं चाहिए। जी हाँ, मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। तुम्हें करण के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं सुशांत, वो मेरा पेशेंट है, मेरी जिम्मेदारी है। सुशांत मैं अपनी जान लगा दूंगा, उसे ठीक करूंगा, लेकिन तुम्हें इन हालातों का फायदा उठाने नहीं दूंगा। आपने हमें बुलाया डॉक्टर रॉय? अरे आइए आइए मिस्टर प्रसाद, मैं अभी भी करण की रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। जिस तरीके से उसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, उस कंडीशन में हम उसका ऑपरेशन अब कभी भी कर सकते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमें तो जल्द से जल्द। क्या बात है डॉक्टर रॉय, आप इतने परेशान क्यों हैं? मिस्टर प्रसाद, मैंने आपके साथ जो भी कुछ किया गुस्से में किया, बदले की भावना में किया। मुझे उस बात का बहुत पछतावा है, लेकिन मिस प्रसाद, करण जब ठीक हो जाएगा तो पता नहीं वो शादी को लेकर कैसे रिएक्ट करेगा। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डॉक्टर रॉय, कभी कभी दो लोगों के बीच इतना प्यार होता है कि किसी शक या किसी गलतफहमी के बीच में आने की गुंजाइश ही नहीं होती। हमें अपने और करण के प्यार पर पूरा विश्वास है। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर रॉय, हमारा प्यार इस अग्नि परीक्षा में भी खरा उतरेगा। हमें तो बस उस पल का इंतजार है।
करण करण फिर से बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल पहले की तरह। शीतल कुछ कर, अगर करण को होश आ गया तो फिर भैंस गई पानी में, कुछ तो करना पड़ेगा। हमें पता है कि आप पिताजी के कमरे में रहना ही पसंद करेगी, इसलिए हमने पहले से ही कमरे की सफाई करवा दी थी। मुझे पता था बहू कि तुम अपनी सासू मां को लेकर यहीं आओगी, इसीलिए मैंने सारा इंतजाम पहले से ही करके रखा है। देखो, सास को इनकी सही जगह पर लेके जाओ, गेस्ट रूम में, क्योंकि अब ये यहां कुछ ही दिन के मेहमान हैं। सुना नहीं तुमने राज ने क्या कहा कि ये यहां रह तो सकती है लेकिन इसे मां का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राज के लिए उसकी मां आज भी मैं ही हूं। मां, मां भले ही एक अक्षर का छोटा सा शब्द होता है मगर उसके मायने बहुत बड़े होते हैं दाई मां। जिस दिन आप उस रिश्ते की गहराई को समझ जाएंगी ना, आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगी। और हमें पूरा विश्वास है वो दिन बहुत जल्दी आएगा। और नहीं बेटा, शायद ये ठीक कह रही है, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। तो हम इस कमरे में तभी आएंगे जब हमारा बेटा खुद हमें यहां लेकर आएगा। हमारा हक हम छल से नहीं, इज्जत से हासिल करना चाहते हैं। सही समय पर आने की आपकी आदत अभी तक गई नहीं। भाई, तो लगता है तुमने सही वक्त आना सीख लिया। मैं तो हमेशा से समय पर आता हूं जीजा जी, फिर इस बार आपने खास बुलवाया है तो जाहिर है बात और वजह दोनों खास होगी। सुशांत, स्वर्ण भवन में दोबारा दिखना मत, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। कमाल करते हैं आप जीजा जी,
अभी तो ठीक से मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और आप तो अभी से मुझे भगाने का प्लान बना रहे हैं। फिर स्वर्ण भवन में कितनी सारी औरतें, अबला, असहाय, विधवा बेचारी, मैंने तो अब तक इनकी मदद करनी शुरू भी नहीं की है और आप मुझे पहले से ही खदेड़ रहे हैं। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। छोड़िए छोड़िए ना जीजा जी, ये सब तो चलता रहेगा। आप मेरी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे नीलांजना दीदी को। शट अप सुशांत, लगता है अभी भी तुमने अपने काम पर ध्यान देना सीखा नहीं। आप ना कमाल ही करेंगे जीजा जी। अरे छोड़िए ना ये सब, ये सीखने सिखाने का सिलसिला तो जब तक सांस है चलता रहेगा। वैसे जहां तक घर की बात है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आया। प्रियंका जी है ना, उनके पापा ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं इस बिखरे हुए परिवार की थोड़ी मदद कर सकूं। है ना कमाल की बात। मैं जानता हूं तुम इन लोगों की मदद कैसे करना चाहते हो। सुशांत, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, मिसेस प्रसाद की फैमिली को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना सुशांत मैं डर गया। जीजा जी सच में डर गया। ये देखिए मेरा हाथ कांप रहा है। साला, जीजा जी की बात नहीं मानेगा तो फिर क्या करेगा? थप्पड़ थप्पड़ खाना है क्या मुझे? फिर मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूं जीजा जी के आप अगर आभा जी को मेरे इरादों के बारे में बता देंगे तो मेरा क्या होगा। फिर सोचता हूं क्या वो आपकी बात मानेगी, विश्वास करेगी आपका? आखिर आपने ही तो उन्हें जख्म दिए हैं, तो वो आपकी बात पर विश्वास कैसे करेगी? हैं? बेचारा करण, क्या हाल बना दिया है आपने उसका। स्वर्ण भवन का इकलौता चिराग, वो ऐसी हालत में कैसे अपने परिवार वालों की देखभाल कर पाएगा? तुम्हें करण के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं सुशांत, वो मेरा पेशेंट है, मेरी जिम्मेदारी है। सुशांत, मैं अपनी जान लगा दूंगा उसे ठीक करूंगा, लेकिन तुम्हें इन हालातों का फायदा उठाने नहीं दूंगा। एक और बात, जो लोग अपनी गलतियां दोहराते हैं ना, उन्हें सीधे रास्ते पर लाना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। हमारी मम्मी आएंगी ना, हम सबसे पहले उनको ही देखना चाहते हैं। बेचारी बच्ची, कब से सब लोग इससे झूठ बोल रहे हैं। हमारी मिष्टी बेटा तो ऑपरेशन से बिल्कुल नहीं घबराती है ना। चलो मिष्टी, अब भगवान से आशीर्वाद ले लें कि आपको और भी स्ट्रॉन्ग बना दे। ये सही टाइम नहीं है सुशांत के बारे में पता नहीं करना, बाद में मौका देके बता दो। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब हमारी आंखें ठीक हो जाए तो हम सबसे पहले अपनी मम्मा का चेहरा देखें। बिल्कुल ठीक, सबसे पहले अपनी मम्मी को ही देखना चाहिए, क्योंकि मम्मी से ज्यादा प्यार तो हमें और कोई नहीं करता।
मम्मी अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखती है, राइट? हमारी मम्मी आएंगी ना, हम सबसे पहले उनको ही देखना चाहते हैं। बेचारी बच्ची, कब से सब लोग इससे झूठ बोल रहे हैं।